दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण प्राकृतिक गांव से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मछली पालन में ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको इस इंडस्ट्री में, आपको इस धंधे में कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। आपको पता होना चाहिए कि हमारा तालाब कैसा है, उसमें कौन सी मछली का पालन करें, फीडिंग कैसे कराएं, और जो है कैसे प्रोबायोटिक्स का यूज करें, कैसे हम जो है कोई बीमारी आ जाए तो कौन सी दवाई का यूज करें, कैसे नेचुरल तरीके से उसको सही कर दें, इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इसी क्रम में एक और टॉपिक है कि हमारी मछली कितने दिन में मार्केट साइज की हो जाएगी, मतलब स्टैंडर्ड मार्केट साइज, मतलब 1 किलो की हो जाएगी। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बहुत से लोग हैं जिनकी मछलियों का ड्यूरेशन 6 ही मंथ है, लेकिन वो 1-1 साल तक दाना खिला रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको फेलियर होगा ही होगा। तो दोस्तों इसीलिए आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ कि कौन सी मछली कितने दिनों में 1 किलो की हो जाएगी, मतलब मार्केट साइज़ की हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसमें हमने डिस्कस किया है IMC मछलियों के बारे में, कार्प मछली के बारे में, पंगेसियस मछली के बारे में, तिलापिया मछली के बारे में, और जो है बिग्रेड मछली के बारे में। दोस्तों इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों IMC मछली की सबसे पहले बात करते हैं, हम बात करते हैं रोहू की। अब हम बताएंगे कि इसमें दो तरह से, अगर आपके जो है, अगर आप फिंगरलिंग के बच्चों को डालते हो तो कितने महीने में बड़ी होगी, और जो है अगर आप 50 से 100 ग्राम जिसको हम स्टंटेंट सीड कहते हैं, अगर आप इस साइज़ के बच्चों को डालते हैं तो कितने महीने में वो बड़ी हो जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले बात करें रोहू की, तो वो जो है 13 से 14 महीने में जो है वो 1 किलो साइज़ की हो जाएगी, अगर हम फिंगरलिंग के बच्चों को डालें तो। और वहीं 8 से 10 महीने लगते हैं अगर हम 50 से 100 ग्राम के बच्चों को डाल करके पालन करते हैं तो। दोस्तों इसका जो हाइब्रिड वर्जन है, जिसको हम जयंती रोहू कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो अगर हम फिंगरलिंग बच्चों को डालते हैं तो ये 7 से 8 महीने में ही आपको 1 किलो की हो जाती है। और वहीं अगर स्टंटेंट सीड जो होते हैं, अगर हम उनको डालें अपने तालाब में, तो ये 5 से 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ 1 किलो की हो जाएगी। इसी क्रम में कतला की बात करें, जिसकी बढ़वार सबसे ज़्यादा होती है IMC मछलियों में, आपको बता दूं कि कतला मछली अगर फिंगरलिंग साइज़ के डालते हैं तो 8 से 10 महीने लगते हैं 1 किलो के होने में। और वहीं अगर हम स्टंटेंट सीड, मतलब 50 से 100 ग्राम के बीच के अंदर के सीड को डालते हैं तो 6 से 8 महीने लगते हैं आपको 1 किलो साइज होने में। दोस्तों इसका भी हाइब्रिड वर्जन आता है, GI कतला, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड कतला, जिसकी वीडियो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले बताया था। दोस्तों अगर हम GI कतले की बात करें तो अगर हम इसकी फिंगरलिंग साइज़ के बच्चों को डालें तो ये इनको 8 महीने लगते हैं 1 किलो होने में। और वहीं अगर हम इनको स्टंटेंट सीड की बात करें तो 5 से 6 महीने लगते हैं इनको 1 किलो साइज होने में। दोस्तों यही रीज़न है कि लोग रोहू की जगह पे जयंती रोहू का पालन करते हैं, कतला की जगह पे GI कतला का पालन करते हैं, क्योंकि जितनी हाइब्रिड वर्जन होती हैं बहुत कम समय में आपकी 1 किलो साइज़ की हो जाती हैं। इसीलिए आप भी रोहू की जगह पे जयंती रोहू करिए, कतला की जगह पे GI कतला का पालन करिए। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, मृगल मछली की बात करते हैं, तो इनको अगर फिंगरलिंग साइज़ के बच्चे होते हैं तो इनको 14 से 15 महीने लगते हैं 1 किलो साइज़ होने में। और वहीं अगर 50 से 100 ग्राम के बच्चों से पालन करें तो इनको 10 से 12 महीने लगते हैं 1 किलो साइज़ होने में। दोस्तों तिलापिया मछली की अगर हम बात करें तो ये इनको जो है 11 से 12 महीने लग जाते हैं 1 किलो साइज का होने में। और वहीं अगर हम स्टंटेंट सीड की को डाल करके इनका पालन करें तो 8 से 9 महीने में जो है 1 किलो की हो जाती है। दोस्तों इसमें हमने IMC मछली का बताया, तिलापिया मछली का बताया, अब आइए कार्प मछली के बारे में जानते हैं। कार्प मछली की नाम लेते ही सबसे पहले आती है सिल्वर कार्प। सिल्वर कार्प जो मछली होती है उनको अगर फिंगरलिंग साइज़ के बच्चों को डालते हैं तो ये 7 महीने में सिर्फ और सिर्फ 1 किलो की हो जाएगी। और वहीं अगर हम स्टंटेंट सीड डाल करके उसका पालन करें तो 5 से 6 महीने में ये जो है 1 किलो साइज़ की हो जाती है। दोस्तों ऐसी ग्रास कार्प की अगर हम बात करें तो ये अगर फिंगरलिंग साइज़ के बच्चों की बात करें तो 10 महीने में ये जो है 1 किलो साइज़ की हो जाएगी। और जो है इसका अगर स्टंटेंट सीड के साथ अगर आप पालन करते हैं तो ये 8 महीने में जो है आपको 1 किलो साइज़ की हो जाएगी। उसी सिलसिले में हम बात करें कामन कार्प की। दोस्तों कामन कार्प भी बिल्कुल ग्रासी कार्प जैसे, इनको भी 10 महीने लगते हैं अगर हम जो है फिंगरलिंग साइज़ के बच्चों को डालते हैं तो। और वहीं अगर स्टंटेंट सीड डाल करके हम डालते हैं तो इनको 8 महीने लगते हैं जो है 1 किलो होने में।
अमूर कार्प की अगर बात करें तो इनको 8 महीने लगते हैं फिंगरलिंग साइज के बच्चों को, और अगर हम 50 से 100 ग्राम के बच्चों को डालते हैं अपने तालाब में तो इनको जो है 5 से 6 महीने लगते हैं 1 किलो साइज होने में। दोस्तों जितनी भी कार्प हैं उसमें अमूर कार्प सबसे जल्दी बढ़ती है। आपको बताऊं इसी सिलसिले में कि बिगहेड मछली, जिसको गांव में लोग बिगरेड बिगरेड कहते हैं, तो जो बिगहेड इसका नाम होता है, बिगहेड जो मछली होती है इसको 6 महीने लगते हैं अगर हम फिंगरलिंग के साइज़ के बच्चों को डालते हैं तो, और वहीं अगर हम 50 से 100 ग्राम के बच्चों को स्टंटेंट सीड डाल करके करते हैं तो इनको 4 से 5 महीने लगता है। दोस्तों बिगहेड मछली में आप जो है फिंगरलिंग साइज के बच्चों को डाल करके पालन करिएगा, स्टंटेंट सीड के चक्कर में मत पड़िएगा। दोस्तों अगर बात करें रूपचंदा मछली की, तो अगर आप इसको फिंगरलिंग साइज के बच्चों को डालते हैं तो 9 से 10 महीने में जो है ये 1 किलो साइज की हो जाती है, और वहीं बात करें अगर स्टंटेंट सीड की तो जो है इसको 7 से 8 महीने सिर्फ लगते हैं 1 किलो साइज होने में मैक्सिमम। यहीं अगर इसी सिलसिले में हम फंगेसियस, जिसको हम प्यासी मछली कहते हैं, अगर इसको हम फिंगरलिंग साइज के बच्चों को डालें तो मैक्सिमम आपका 6 से 7 महीना लगता है। बहुत से लोग जो है 5 से 6 महीने में कर लेते हैं, और अगर आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा तो 6 से 7 महीना। और वहीं अगर 50 से 100 ग्राम के बच्चों को डालते हैं तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग 4-4 महीने में, 4 से 5 महीने में बस जो है आप 1 किलो साइज की पालेंगे। तो दोस्तों ये जितने भी आंकड़े हैं ये हमारी फिश इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड आंकड़े हैं, मतलब जब भी आप उनको जितनी भी स्टॉकिंग डेंसिटी होनी चाहिए उतने हिसाब से डालते हैं, आप उनको प्रॉपर फीडिंग खिलाते हैं, तभी जो है ये सब जितने भी हमने आंकड़े बताए हैं उसी हिसाब से बताएं। बने रहिए हमारे चैनल प्रकृति गांव पर, ऐसी ढेर सारी छोटे छोटे टिप्स हम आपको बताते रहेंगे। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम ग्राउंड लेवल से छोटी सी छोटी जानकारियाँ आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप भी फिश फार्मिंग में सफल हो सकें और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।